एक व्यक्ति जो कि भिवानी जनपद का रहने वाला था, वह अपने परिजनों से मथुरा वृंदावन के दर्शन के लिए आया था, मगर परिजनों के अनुसार व्यक्ति अपने घर तक नहीं पहुंचा, जिसके कारण परिजनों को शंका जताने लगी, जिसके चलते परिजनों द्वारा गुमशुदगी तलाश में एक FIR दर्ज कराई। इसी के चलते परिजनों के करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों ने गोवर्धन मथुरा वृंदावन में व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की। जगह जगह पर पोस्टर एवं फोटो भी दिखाकर पूछताछ करते हुए नजर आए। जब मीडिया की टीम ने उनसे बात की तो उनके भतीजे ने बताया कि हमारे चाचा की लाश लोकेशन सोमवार को मथुरा में मिली थी, उसके बाद उनसे हमारा कोई भी संपर्क नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके चाचा के बारे में बताने में 5,000 का इनाम भी बताया है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? सर मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से आया हूँ और ये मेरे चाचा हैं और ये शनिवार को मतलब 30 तारीख को इधर मथुरा आए थे, तो सोमवार को हमारा एकदम से इनसे संपर्क छूट गया, तो हम यहाँ पे खोजबीन करने के लिए आए हैं अपने गांव से 5-6 बंदों को लेके। इनके ऊपर इनाम भी रखा है 50,000 रुपये का। हम गए हैं इधर मथुरा और वृंदावन, वहाँ के हमने CCTV फुटेज लेने की ट्राई की, पर यहाँ का CCTV कैमरे बिल्कुल बंद पड़े हैं। प्रशासन से शिकायत भी की पर उन्होंने, आला अधिकारियों ने बताया कि हमने ऊपर बात की है पर कोई सुनवाई नहीं है, ना तो बस स्टैंड के CCTV चल रहे ना रेलवे स्टेशन के CCTV चल रहे। ये कैसे आए थे, किसी के साथ आए थे या अकेले आए थे? ये अकेले आए थे घर से, तो बस अभी ढूंढ रहे हैं। मथुरा वृंदावन हो गया, गोवर्धन के बाद फिर हम मूव करेंगे राजस्थान साइड में, राजस्थान का बॉर्डर टच करता है। तो लास्ट संपर्क आपका कहाँ से हुआ था? लास्ट संपर्क इनका दिखा रहा था सर जयपुर के पास, मथुरा आए हैं, मथुरा पे इनकी लोकेशन दिखाई है 27 मिनट के लिए, उसके बाद ये बस पकड़ के और सीधे चले गए हैं खाटू श्याम साइड में।